हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज आशीष गुप्ता, आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी की नई रिटर्न है, जो जीएसटी की नई रिटर्न आ रही है 1 अप्रैल 2020 से, उसके अंदर अगर हम पे कोई गलती लग गई, मान लो हम कोई सेल चढ़ाना भूल गए, बेशक वो B2B की हो या B2C की हो, तो उसको हम अमेंड कैसे कर सकते हैं, उसको हम अपने रिटर्न में कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं फ्रेंड्स वो आप तक इजीली पहुंच सके। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो जीएसटी की नई रिटर्न है उसके अंदर इन्होंने, पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं पहले RET 1 की बात करके चल रहा हूं कि उसके अंदर क्या है। एक तो Annex 1 है जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, ठीक है, प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल जाती है, प्लस अगर कोई इनवर्ड सप्लाई है लाइबल टू रिवर्स चार्ज उसकी डिटेल जाती है, ठीक है। और Annex 2 में जो हमने परचेज करी होती है इनवर्ड सप्लाई है उनकी डिटेल आती है, और RET 1 में क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उठ के आ जाता है और जो हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो हम पे कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मान लो हमने कोई सेल थी B2B की, वो चढ़ानी ही रहेगी, हमने वो चढ़ाई ही नहीं, या फिर हमने उसे अमेंड करना है, हमने कोई बिल नंबर चेंज करना है उसके अंदर, ये GST नंबर चेंज करना है, कोई अमाउंट चेंज करनी है। इसी तरह फ्रेंड्स, मान लो B2C की सेल दिखानी ही रहेगी, ये दिखाई तो कम दिखाई हमने अपनी Annex 1 में, उसको कैसे ठीक करेंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इन्होंने जो GST की नई रिटर्न है उसके अंदर अगर कोई चेंजेज करने हैं तो उसके लिए इन्होंने फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है आउटवर्ड सप्लाई के लिए फ्रेंड्स, फॉर्म GST Annex 1A, फॉर्म GST Annex 1A के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने जो RET 1 में कोई चेंज करना है तो वो RET 1A के थ्रू होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई में चेंजेज करोगे या आप अपने इनपुट में चेंजेज करना चाहते हो, ठीक है, उसका फाइनली इंपैक्ट तो RET 1 पे ही होना चाहिए, क्योंकि आपने टैक्स भी तो पे करना आ सकता है, या फिर आपका जो फालतू इनपुट क्रेडिट है वो भी बन सकता है, जो भी है वो आपके अगली रिटर्न में एडजस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने RET 1A लाई है। मतलब कि जो भी चेंजेज होंगे फ्रेंड्स किसके थ्रू होंगे, Annex 1A और RET 1A के थ्रू। चलो फ्रेंड्स, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारे की सारे चेंजेज ही Annex 1A के थ्रू होंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो सर आप तो बार बार। फ्रेंड्स, मैं क्या कहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, अब ये GST वाले ही कंफ्यूज करके चलते हैं ज्यादा, इनकी कहानी सुनो। फ्रेंड्स, ये देखिए, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं GST Annex 1A के लिए, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं 5th लाइन, सबसे पहले हम 5th लाइन पढ़ते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर क्या कहा है फ्रेंड्स इन्होंने, कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट शैल बी कैरिड आउट थ्रू दिस Annex इन रिलेशन टू Table 3A, Table 3C, Table 3D, Table 3H, IJK ऑफ फॉर्म GST Annex 1। मतलब कि फ्रेंड्स, जो GST Annex 1 की Table 3A है, Table 3C है, B को छोड़ दिया, Table 3C है, D है, H है, I है, J है, K है, उनको तो आप इस Annex 1A के थ्रू अमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप Table 3A, अगर आप Table 3B, अगर आप Table 3B चेंज करना चाहते हो, या फिर Table 3E अमेंड करना चाहते हो, Table 3F अमेंड करना चाहते हो, Table 3G अमेंड करना चाहते हो, तो वो Annex 1 के थ्रू ही होगी, उसमें Annex 1A का कोई रोल नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, अमेंडमेंट इन रिलेशन टू Table 3B, 3E, 3F, 3G शैल बी कैरिड आउट इन फॉर्म GST Annex 1 ऑफ द मेन रिटर्न। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर आपने Table 3B, Table 3E, Table 3F, Table 3G
इनमें कुछ चेंजेज करना है तो आपको अनेक्स्ट वन की जो मेन रिटर्न है उसी के थ्रू चेंजेज होंगे, आपको अनेक्स्ट वन ए फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर अब ये टेबल थ्री बी, टेबल थ्री, टेबल थ्री एफ, टेबल थ्री जी कौन कौन सी है ये बता दो ताकि हमें मुझबानी याद हो जाए कि क्या कुछ है। ये देखिए फ्रेंड्स, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स, मैं मुझबानी कुछ नहीं बोलता। ये फ्रेंड्स टेबल थ्री भी किस चीज की है, सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि अगर आपने कोई बी टू बी सेल करी हो, रजिस्टर्ड पार्टीज को सेल करी हो, तो आपको अनेक्स्टर वन, अनेक्स वन के द्वारा ही अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आपको अनेक्स्टर वन ए में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो टेबल थ्री है वो सप्लाई टू सेड यूनिट ऑब्लिक डेवलपर विद पेमेंट ऑफ टैक्स, 3F है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और टेबल 3G है डीम्ड एक्सपोर्ट। इनमें फ्रेंड्स देखो, इन्होंने साइड में लिख भी रखा है इंक्लूडिंग एडिट ऑब्लिक अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग एडिट ऑब्लिक अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग एडिट ऑब्लिक अमेंडमेंट। मतलब कि फ्रेंड्स कुल मिला के अभी तक बोलूं क्या बोला मैंने, अगर आपने रजिस्टर्ड पार्टी को कोई सेल कर रखी है या फिर सेज यूनिट को विद पेमेंट टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है, इनमें कोई चेंजेज करने हैं वो तो आपको फ्रेंड्स अनेक्स वन ए के द्वारा ही करना है, अनेक्स वन के द्वारा ही होएगा। और अगर आपको इनके अलावा वो कोई और चेंजेज करने हैं, मतलब कि मान लो आपने बी टू सी की सेल चेंज करनी है, तो वो आपको अनेक्स वन ए के थ्रू होएगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ फ्रेंड्स, मतलब कि आपने बी टू बी की सेल चेंज करनी है तो आपको अनेक्स्ट वन ए के द्वारा ही चेंज करना है, और अगर आपको कोई बी टू सी की सेल चेंज करनी है तो अनेक्स्ट वन ए के द्वारा करनी है। चलो ठीक है सर, जो इनवर्ड सप्लाई होती है हमारी जो कि रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल होती है, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो कैसे होगी फ्रेंड्स, मैंने अभी तो बताया केवल ये चार सप्लाई आपकी अनेक्स वन के द्वारा चेंज होगी, बाकी सारी की सारी अनेक्स वन ए के द्वारा चेंजेज होगी। मतलब कि जो इनवर्ड सप्लाई है लाइबल टू रिवर्स चार्ज वो भी अनेक्स वन ए के द्वारा होंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो एक बार दोबारा चलते हैं हम अनेक्स वन ए पे, उसमें कुछ और भी लिखा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। अच्छा फ्रेंड, एक तो मेन चीज इन्होंने क्या कही है कि अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो, मान लो आपने अप्रैल की रिटर्न फाइल करी, मंथली रिटर्न फाइल करते हो और आप अप्रैल के अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो आप जो अनेक्स वन ए है अप्रैल का भरोगे। अगर आप फ्रेंड्स क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो अप्रैल से जून की और अप्रैल से जून में ही कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे टैक्स पीरियड सिलेक्ट हो जाएगा अप्रैल से जून तक का। ठीक है, मतलब कि जो अनेक्स वन ए है, जो आर ई टी वन ए है, वो मंथली भी जा सकता है और क्वार्टरली भी, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फाइलिंग सिस्टम यूज कर रखे। चलो अच्छा एक चीज हो, ये देखो सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि मान लो आपने कोई ऐसा इनवॉइस था जो कि आपने अप्रैल का था वैसे तो बिल, लेकिन आपने चढ़ाया वो अगले महीने में, मतलब कि मई में चढ़ा दिया, तो जो आपको अमेंडमेंट करनी होगी वो मई की करनी होगी अप्रैल की। इन्होंने कहा है कि वो आपको अमेंडमेंट अप्रैल की ही करनी होगी। देन अमेंडमेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेड बाय अमेंडिंग द रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट दोबारा पढ़े, इफ मिसिंग डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द टैक्स पीरियड टी हैव बीन रिपोर्टेड इन द रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड T plus N, then amendment of such document shall be made by amending return of the tax period T. ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट में फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि जो अनेक्स वन में है अमेंडमेंट वो आप कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आएंगे। चलो वो मैंने आपको बता दिया कि जो अमेंडमेंट है इसमें कौन कौन से कर सकते हैं हम, टेबल 3A की, 3C, 3D, 3H, 3I, 3J, 3K। चलो अगर फ्रेंड्स कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है जो कि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया पर ईयर पीरियड का, मान लो आपने अप्रैल का कोई ऐसी सेल ही नहीं दिखाई,
ठीक है, तो वो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप वन में ही बननी होगी, वो आप अमेंडमेंट वाले में नहीं आ सकते हैं। वो आप अमेंडमेंट वाले में नहीं आ सकते हैं। मान लो फ्रेंड्स आपने कोई इनवर्ट सप्लाई थी जो रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल थी, जो रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल थी, वो आपने नेक्स्ट वन में दिखाई ही नहीं। तो फ्रेंड्स अगर दिखाई ही नहीं तो आप अगले महीने के नेक्स्ट वन में दिखा दोगे, ठीक है। उसमें कोई भी अमेंडमेंट अमेंडमेंट करनी है तो वो आप अनेक्स वन ए के द्वारा कर सकते हो, वो आप अनेक्स वन ए के द्वारा कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगले महीने की अनेक्स वन में ही दिखानी पड़ेगी। इसमें तो केवल अमेंडमेंट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बाकी फ्रेंड्स इनके द्वारा क्या बाद में क्लेरिफिकेशन आ जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेंड्स मैंने तो आज की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। चलो इसी तरह हम देख लेते हैं आरईटी 1A के लिए भी देख लेते हैं। आरईटी 1A क्या कहता है? आरईटी 1A कहता है फ्रेंड्स जो अमेंडमेंट टू मंथली ओब्लिक क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न। तो जो हमने अनेक्स 1A में डिटेल भरी वो हमारी उठ के ऑटोमेटिकली आरईटी 1A में आ जाएगी, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई की तो होगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आती है फ्रेंड्स आईटीसी की बात। आईटीसी की भी जो हमने इनवर्ड सप्लाई था लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो हमने टैक्स भरना है उसका हमें इनपुट भी तो मिलता है, तो फ्रेंड्स वो हमारी इसके अंदर आरईटी 1A में टेबल नंबर 4 में ए ए के अंदर वन नंबर में आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट रो में आ जाएगी। इसी तरह फ्रेंड्स अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेज यूनिट, वो भी आ जाएगी। अगर आप कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट करना चाहते हो आईटीसी में ड्यू टू रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड ऑल अदर एडजस्टमेंट एंड रिक्लेम्स, ठीक है, अगर आप कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट करना चाहते हो आईटीसी में, वो भी आपकी आरईटी 1A के थ्रू हो जाएगी। अगर आप कोई रिवर्सल करना चाहते हो तो वो भी आपकी, जैसे सप्लाई नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर लो रूल 37, रूल 39, रूल 42 एंड 43, अगर ये कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, कोई रिवर्सल करना चाहते हो, वो भी आप फ्रेंड्स आरईटी 1A के द्वारा करोगे, ठीक है। समझ आ गई फ्रेंड्स? मतलब कि अगर मैं मोटा मोटी जो हमारे नॉर्मली यूज होता है वो मैं बता देता हूँ। जो B2B की सप्लाई अमेंड करनी है फ्रेंड्स आपको, B2B की सप्लाई कोई अमेंड करनी है तो आपको अनेक्स वन में ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई B2C की सेल अमेंडमेंट करनी है या कोई आपको इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज की सप्लाई अमेंड करनी है तो वो आपकी अनेक्स 1A में हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अमेंडमेंट के ऊपर लेके, उसके अंदर मैं आपको टोटली समझाऊंगा कि आपको अमेंडमेंट B2B की कैसे करनी है नेक्स्ट वन में, क्योंकि फ्रेंड्स वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, 5-7 मिनट का हो जाएगा और ये वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। मैं फ्रेंड्स वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फ्रेंड्स प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स मेरा हौसला बढ़ता है। प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।